सामने नहीं आए हैं और लगातार हमारे साथ सभी तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम कांग्रेस विधायक जिनकी मौजूदगी इस वक्त लग्जरी बसेस के जरिए उन्हें होटल लेके जाया जा रहा है। देखिए ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए कांग्रेस के विधायक और तमाम विधायकों के चेहरे पर देखिए किस तरीके से खुशी है। और दरअसल ये जो खुशी है वो उस लंबे सन्नाटे के बाद आई है जो कि राजस्थान की सियासत में बीते दो दिनों से देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जयपुर से सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस विधायक लग्जरी बसेस से रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर क्योंकि दो दिन से जो सियासी घमासान राजस्थान की सियासत में देखने को मिला अब उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होता हुआ, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे दरअसल वो तमाम पिलर्स है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यह दावा किया गया है कि जो मौजूदा संख्या बल है उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को यहां पर बढ़त हासिल है तमाम विधायकों की परेड। और अब उन तमाम विधायकों की परेड के बाद ये विक्ट्री साइन जो कि कांग्रेस के तमाम विधायक दिखा रहे हैं, इनमें कई चेहरे निर्दलीय विधायक भी आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले दो दिनों से जिस तरीके से सियासी संग्राम राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहा था, जहां पर एक वक्त पर यह लग रहा था कि कहीं मध्य प्रदेश की ढा तो नहीं निकल गया राजस्थान, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें बदलती गई और अब कुछ समीकरण ऐसा बदला कि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है। और इसी क्रम में विधायकों की परेड मैराथन बैठक के बाद, क्योंकि आलाकमान की पूरी तरीके से नजरें और उसके बाद ये हंसते हुए चेहरे, विक्ट्री साइन शो करते हुए चेहरे जो कि अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, विपक्ष को यहां पर जवाब देते हुए चेहरे देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम जो लोग, तमाम जो विधायक जिनकी रवानगी हो रही है इन बसेस के जरिए, वो इस बात की एक बार फिर से तस्दीक करते हुए कि राजस्थान की सियासत में जिसे जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत, वो गलत नहीं कहा जाता। तो कांग्रेस विधायक लग्जरी बसेस से रवाना, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये जो तस्वीरें हैं वो विपक्ष की धड़कने बढ़ाने वाली, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सत्ता का संग्राम देखने को मिला, क्योंकि पल पल बहुत तेजी के साथ राजस्थान के समीकरण बदलते हुए, हालांकि एक डर वहां पर जरूर देखने को मिला और इस डर का ही नतीजा था कि तमाम शीर्ष नेता वहां पर पहुंचे, खुद आलाकमान की ओर से दखल अंदाजी की गई, हालांकि एक फ्री हैंड जरूर अशोक गहलोत को दिया गया और इसके बाद मीटिंग्स का दौर देखने को मिला। लेकिन ये समझिए राजस्थान का गणित क्या कुछ है, बहुमत के लिए 101 चाहिए क्योंकि कुल सीटें जो हैं वो 200 हैं, कांग्रेस के पास 107, निर्दलियों की अगर बात कर ली जाए तो उनका जो आंकड़ा हो जाता है वो 12, अन्य के पास 6, कांग्रेस प्लस कुल 125, बीजेपी माइनस 72 प्लस आरएलपी माइनस 3, बीजेपी प्लस कुल 75, ये कुछ आंकड़ा है राजस्थान विधानसभा की जब बात कर ली जाती है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये 101 बहुमत का आंकड़ा, हालांकि बीच में दावे बहुत ज्यादा किए गए, लेकिन 103 का दावा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है और उस दावों के साथ वो 103 चेहरे भी यहाँ पर नजर आए जब मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर विधायक दल की मीटिंग हुई, इसमें तमाम निर्दलीय विधायक भी पहुंचे और सबने एक सुर में कहा कि हम अडिग है, कोई खतरा नहीं है। और ये जो एकजुटता का संदेश वो ना केवल अपनी सरकार को, अपने भीतर के तमाम लोगों को दिया गया, बल्कि विपक्ष को भी एकजुटता का संदेश दिखाते हुए सख्त संदेश दिया गया कि कितनी भी चाहे कोशिश कर ली जाए ये परिस्थितियां यहां पर नहीं बदलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश की राह राजस्थान कतई नहीं जाएगा। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझा रहे थे कि मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। 200 सीट है बहुमत का आंकड़ा, 101 हो जाता है कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, 107 प्लस 12 प्लस 6 यानी कि 125। इसके अलावा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो 72 कुल आंकड़ा हो जाता है, इसके अलावा आरएलपी की बात कर ली जाए तो 3 ये आंकड़ा हो जाता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्लस कुल 75। हालांकि बीच में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों को हवा
सचिन पायलट के मीडिया एडवाइजर के उस मैसेज ने दे दिया जिसमें यह दावा किया गया कि विधायक दल की मीटिंग में सचिन पायलट नहीं पहुंचेंगे। 30 विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी कि वो सचिन पायलट के साथ हैं, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के समीकरण जो हैं वो बदलने लगे और अब जो मौजूदा समीकरण है वो इस बात की तस्दीक करती हुई कि जो कांग्रेस सरकार है उसके पास ये आंकड़ा है, क्योंकि तमाम विधायक वहां पर पहुंचे। 103 का ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुमत से ज्यादा दो अंक। हालांकि बाद में सचिन पायलट की ओर से भी साफ कर दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से बहुत तेजी के साथ राजस्थान की सियासत बदलती हुई और इस वक्त समूचे देश के केंद्र में इस वक्त अगर कोई जगह है तो वो यही है, जयपुर में मुख्यमंत्री का आवास, क्योंकि यहीं से बहुत तेजी के साथ सियासी घटनाक्रम बीते दो दिन से बदलते हुए और अब जो ताजा जानकारी उसके हिसाब से कांग्रेस विधायक लग्जरी बसेस से रवाना हो चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद, उनकी भी रवानगी हो चुकी है। विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत हुए रवाना, साथ ही साथ इस बदलते समीकरणों के साथ जिस तरीके से परिस्थितियां वहां पर निकल कर सामने आई वो इस बात की तस्दीक करती हुई कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि देखिए राजनीतिक पंडित जो हैं वो इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए भी तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसने कहीं ना कहीं इस बात पर तो मुहर लगा दी है कि अशोक गहलोत की जब बात होती है जिन्हें ना केवल प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी डैमेज कंट्रोल के लिए कई दफा कांग्रेस पार्टी ने भेजा है, और ऐसे में जब उनके खुद के प्रदेश की बात आई तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अशोक गहलोत को फ्री हैंड भी आलाकमान के द्वारा दिया गया और उसी का ये नतीजा है कि एक जो दिल की धड़कने कांग्रेस पार्टी की बहुत तेज बढ़ी थी राजस्थान को लेकर, अब कहने के आश्वासन भी जरूर मिला है, क्योंकि ये जो चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं, ये जो मुस्कुराते हुए निकलकर सामने आ रहे बसेस से विक्ट्री साइन दिखाते हुए, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि देखिए मध्य प्रदेश की राह पर राजस्थान नहीं निकलेगा, और ये अगर मुमकिन हो पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की वजह से। देखिए राजस्थान का गणित ये भी आपको लगातार दिखाते हुए, और ये आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़ों का ये खेल है, लेकिन उन आंकड़ों के खेल में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई, क्योंकि जो परेड वहां पर लगाई गई विधायकों की, जो तमाम विधायक वहां पर पहुंचे चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, वो चाहे वो निर्दलीय हों चाहे वो अन्य हों, वो इस बात की पुष्टि करते हुए कि सरकार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी शतरंज के बादशाह और सियासत के जादूगर, लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत है तो मुमकिन है सरकार एकदम सेफ महफूज और सुरक्षित। 103 से ज्यादा इस डांगी को भी आप सुन रहे थे जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आपको बताया कि कांग्रेस विधायकों की बसेस होटल पहुंच चुकी है, विधायकों के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, विधायकों के साथ सीएम गहलोत की मौजूदगी, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते दो दिनों से जो कुछ भी राजस्थान की सियासत में हुआ, सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे, उनके गैर मौजूदगी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे, और तमाम तरह की जो संभावनाएं थी वो व्यक्त की जा रही थी, लेकिन उसके बाद तमाम कि रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री है वो इस बस में सवार है, उनके पीछे है भंवर सिंह भाटी, इसमें मंत्री और विधायक है वो शामिल है, रणदीप सुरजेवाला है वो आगे है, यहाँ पर रघु शर्मा के ठीक सीट पर आगे रणदीप सुरजेवाला, रघु शर्मा, भंवर सिंह भाटी, ये इस बस में सवार है, और ये तीसरी बस है जो फेयर माउंट होटल पर यहाँ पहुंची है। तो बारिश की दस्तक के बीच ये विधायक यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ इनको जयपुर शहर से नेशनल हाईवे दिल्ली वहां पर इस होटल में लाया गया। इलाका वही है, इस बार चेंज है तो सिर्फ होटल, शायद ये होटल वही है जहाँ सुबह इनकम टैक्स की रेड की कार्रवाई थी। हेमंत अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर 2 से 3 घंटे सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्चिंग की थी, रेड यहाँ पर मारी थी। ये वही होटल है और होटल से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर जो है मीडिया की और आम जन की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। तो अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है, बारिश तो आ चुकी है, सियासी तपिश कब दूर होगी, क्योंकि अगले एक हफ्ते तक राजस्थान के सियासी रण में जो सियासी भूचाल उठकर आया है उसको जादूगर की जादूगरी किस तरह
सुहा करती है, गायब करती है, जादू करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब टेक्निकल पॉइंट पर आए कि अब आखिर क्या रहेगा। हाँ। अब नजरें विधानसभा अध्यक्ष, राजभवन और राज्यपाल पर भी है। जादुई आंकड़ा बिल्कुल इनके साथ है, लेकिन जो कोशिशें सरकार गिराने की कर रही थी वो भी अपने आप में उनको अनुभव है सरकारें अच्छी तरह से गिराने का और फिर बनाने का, दांव पेच और तिकड़म में वो भी भारी है। लेकिन इस बार मुकाबला अशोक गहलोत से है, और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था राज्यसभा चुनाव में कि अशोक गहलोत जब चक्की पीसते हैं तो ढंग से पीसते हैं, और अपनी पार्टी के लिए एक नहीं कई दफा संकट मोचक साबित हुए। मध्य प्रदेश के विधायक यहाँ पर आए, महाराष्ट्र के आए, गुजरात के आए, और अब टारगेट हमला सीधा अशोक गहलोत पर थे, तो वो तो इन दांव पेचों के माहिर है, तो अब किस तरह ये करारा जवाब देते हैं, क्या बिसात इन्होंने बिछा रखी है, क्योंकि अशोक गहलोत क्या करते हैं इसको भांपना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी। जी हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। क्या योगी दिनेश, ठीक है दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को ये जानकारी दे कि बहुत तेजी के साथ राजस्थान की सियासत ने करवट ली, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर यही कि 107 विधायकों के समर्थन का दावा और सीएम गहलोत कैंप का जो दावा है वो आपको लगातार बताते हुए कि विधायक दल की बैठक में 107 एमएलएज रहे मौजूद, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस निर्दलीय और समर्थित विधायकों की मौजूदगी रही, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिससे पहले आप मेरे सहयोगी दिनेश को भी सुन रहे थे, जो कि इस बात की जानकारी देते हुए कि किस तरीके से संकट मोचक की भूमिका अशोक गहलोत ने कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए निभाई है, और जब सवाल उन पर उठे तो उन्होंने पूरी तरीके से और आला कमान की ओर से भी फ्री हैंड उन्हें दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तमाम बातचीत के जरिए मैराथन बैठकें हुई, उसके बाद तमाम चीजों के बाद अब ये जो तस्वीर राजस्थान की सियासत में देखने को मिली है वो कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा सुकून देने वाली खबर, क्योंकि 107 एमएलए के दावे की बात कही गई है, और तमाम वो चेहरे जो कि मैं आपको दिखा रहे थे बसेस के जरिए, उन तमाम लोगों को होटल पहुंचाया गया है, तमाम वरिष्ठ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, बसेस के जरिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी आपको तमाम विधायक वहां पर नजर आए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले दो दिनों से जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में हलचल बहुत ज्यादा तेज देखने को मिली थी, अब उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होते हुए तो उसका पटाक्षेप कहीं ना कहीं अब होता हुआ, लेकिन अब जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती आगे के लिए भी होगी, जिसको लेकर भी वहां पर मंथन रणनीति बनाने की जरूरत। लेकिन आपको ये जानकारी दे कि गुरुग्राम आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में हलचल, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि करीब एक दर्जन कांग्रेस विधायक होने की यहाँ पर जानकारी है, विधायकों से मुलाकात करने आ सकता है कोई नेता, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान की सियासत, और यहाँ पर हलचल सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि दिल्ली और गुरुग्राम में भी बहुत ज्यादा तेज, हालांकि वो तस्वीरें भी इसके साथ आप याद रखिए जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया कि 107 एमएलए का जो सपोर्ट है वो हासिल है, यानी कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं गुरुग्राम से, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज मौजूद है, क्योंकि वहां के आईटीसी ग्रैंड होटल पर भी इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर यह बात कही जा रही है कि एक दर्जन विधायक रुके हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है, अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से राजनीति घमासान राजस्थान में मचा हुआ है, उस बीच आईटीसी ग्रैंड भारत वही होटल है जो एक गवाह बना था मध्य प्रदेश का, कर्नाटक सरकार का, जब बीजेपी ने यहीं से तमाम विधायकों को रखा था, और विधायक जब निकल कर गए तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनकर निकली थी। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह की प्रयास और जिस तरह से कश्मकश चल रही है, क्योंकि बीजेपी इस पूरी पिक्चर से अभी बाहर है और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के बीच मन मुटाप जो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे जो घमासान पार्टी के अंदर मचा हुआ है, तो उस बीच कहीं ना कहीं फायदा जरूर बीजेपी उठाना चाहिए। और इसी को लेकर जिस तरह से सचिन पायलट लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, सचिन पायलट ने साफ कर दिया था कि 30 विधायक उनके साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब अशोक गहलोत जिस तरह से 107 विधायकों का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो ये एक बड़ी बात
बात है, लेकिन अब जिस तरह से सभी विधायकों को साथ लेकर अशोक गहलोत नजर आए बस में बैठकर के विधायकों को, तो उस बीच आईटीसी भारत में तमाम विधायकों को भी यहाँ रोका गया है, तो यहाँ जो जिस तरह की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो इशारा करती है कि जो अशोक गहलोत दिखाना चाहते हैं वो है नहीं असल में। और यही कारण है कि लगातार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी सामने आई थी और उसके बाद जो उन्होंने दावा किया था अपने विधायक समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ था, तो वो नुकसान अब यहाँ नहीं होने देना चाहती कांग्रेस, और इसी को लेकर लगातार एक्टिव नजर आए तमाम बड़े नेता कांग्रेस के। यही नहीं, सीधे तौर पर अशोक गहलोत खुद इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से आगे रहे, विधायकों से बातचीत करते रहे, मैराथन बैठकें चलती रही, और इस बीच अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों के बीच ये तो निश्चित है कि जो विधायक यहाँ ठहराए गए हैं होटल में आखिरकार वो क्यों ठहराए हुए हैं, और यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिरकार सचिन पायलट क्यों बगावती तेवर दिखा रहे हैं लगातार, तो ये बड़े सवाल है। और दो चीज समझने की जरूरत है, दो चीज, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी की ओर से व्हिप जारी कर दिया गया कि अगर कोई भी विधायक नहीं पहुंचता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जैसे कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि वहां पर करीब एक दर्जन विधायक जो है वो रुके हुए हैं। दूसरी बात ये कि सचिन पायलट को मनाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है, और ऐसे में अगर बातचीत हो जाती है तो इन तमाम विधायकों की वापसी, और अगर नहीं होती है, अगर मनाने की कवायद में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होती है तो प्लान बी क्या है इनके पास? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और गहलोत सरकार के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, उन बादलों को छाटने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि सचिन पायलट को मनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे ध्रुव के पत्ता है, यदि वो मन जाते तो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार को किस तरह का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो बगावती तेवर सचिन पायलट की तरफ से दिखाए गए, ये कहा गया कि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है और गहलोत सरकार के पास बहुमत साबित करने का मौका जो दिया जा रहा है वो पूरा नहीं है, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने बाकायदा अपने तमाम विधायकों के साथ ये दावा किया कि उनके पास 107 विधायक हैं, उनकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, अभी भले ही इस बात को अशोक गहलोत कह रहे हो, लेकिन जब तक सचिन पायलट अपनी जो पूरी पिक्चर बनी हुई है उस तस्वीर को पूरी तरह से साफ नहीं कर देते, आखिरकार क्या मन पाएंगे सचिन पायलट? क्या सचिन पायलट कुछ दूसरे योजना तैयार की है जिससे गहलोत सरकार को और संकट पैदा हो सके? इन तमाम बातों के बीच मंथन जरूर जारी है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेता इन सभी बातों पर लगे हुए हैं कि किस तरह से सचिन पायलट की जो बातें हैं उनको मनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से जिस तरह की बातें कही गई, बगावती तेवर दिखाए गए कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है, विकास कार्य उनके तहत नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान है, तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बगावती तेवर अपने दिखा रहे हैं। लेकिन जो बैठक मैराथन की गई, उन बैठकों में फिलहाल जो निकल कर आया वो यही है कि फिलहाल कुछ जो विधायक, इसको सात विधायकों का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं, वो एक पिक्चर जरूर साफ हो पा रही है अशोक गहलोत की तरफ से, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया। आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको इन तमाम लोगों को मनाने की भी जरूरत होगी, क्योंकि इस वक्त भले आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो आगे भी बरकरार रहे इस पर भी आप पुख्ता तौर पर नहीं अभी कह सकते। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि किस तरीके से राजस्थान की सियासत बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिली, और इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनकी कहानी क्या है पहले आप ये समझिए। देखिए, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया सोनिया गांधी के कहने पर, दरअसल कोई आज की खटपट नहीं है, इससे पहले भी कई बार खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। मई 2019 लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, कहानी के ये दो किरदार दिसंबर 2018 सचिन पायलट की अध्यक्षता में राजस्थान में कांग्रेस की जीत, और उसके बाद से कई मोर्चे ऐसे देखने को मिले जहां पर दोनों में मतभेद देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो मनभेद की स्थिति है उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा, पार्टी आलाकमान की इस पर नजरें भी टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको बताएं कि राजस्थान में जारी सियासी संकट से सरकार को निकालने के लिए रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसी को कोई नाराज है तो पार्टी के सामने अपना पक्ष रखें।
कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए, अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली। तो राजस्थान सरकार पर जो संकट के बादल छाए हुए थे वो फिलहाल छटते हुए नजर आ रहे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, पीटीआई टीचर्स की बात कर लेते हैं। प्रदेश भर में पीटीआई शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। पीटीआई टीचर्स ने नौकरी पर बहाली की मांग को लेकर विधायकों के आवास का घेराव किया। पीटीआई शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा की बात कर ली जाए, हांसी की बात कर ली जाए, कैथल या फिर जगाधरी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गुस्से में पीटीआई टीचर्स। और ये कोई आज की बात नहीं है क्योंकि लंबे वक्त से पीटीआई टीचर्स जो है वो पुनः बहाली की मांग करते हुए 1983 ऐसे पीटीआई टीचर्स हैं जो कि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से बहाल किया जाए। हालांकि इसको लेकर सियासत भी अपने चरम पर है, लेकिन पहले सांसदों के आवास का घेराव किया गया इन पीटीआई टीचर्स के द्वारा, और अब इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन्होंने तमाम विधायकों के आवास का घेराव किया, सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों के आवास का घेराव किया। और उनका यह कहना है कि कल यानी कि मंगलवार को विपक्ष के तमाम विधायकों के आवास का यह घेराव करेंगे। 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिरसा, हांसी, कैथल और जगाधरी। इधर हांसी में पीसीआर के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई। जींद बाईपास के पास पीसीआर के नीचे आने से गंगन खेड़ी के युवक रविंद्र की जान चली गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप भी लगाया। शव लघु सचिवालय के बाहर रखकर परिजनों ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। युवक की मौत, परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों का ये कहना है कि जो भी इसके लिए कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जींद बाईपास के पास की घटना बताई जा रही है। और यहां पे रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।